हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13-16। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1-12 डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन। हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3-डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल हो, हमें वो नंबर बताने हैं कि कितने नंबर हैं। इसके लिए हमें पहले एक एपी फॉर्म करनी होगी जो 3-डिजिट के नंबर हो एंड डिविजिबल बाय 7। इस क्वेश्चन में एपी बनाने के लिए हमें समझना होगा कि सबसे पहले 3-डिजिट जो नंबर है वो 100 से ही स्टार्ट होते हैं एंड लास्ट नंबर इज 999। सो इनके बीच में ही नंबर होंगे डिविजिबल बाय 7। अब यहाँ पे 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर मैं 100 से कुछ वैल्यू कम करता हूँ तो ये 2-डिजिट का बन जाएगा, तो इसमें मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना होगा जिससे कि 7 से डिविजिबल हो। इसी तरह से 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो इसमें से मुझे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे मुझे लास्ट नंबर पता लग सके कि 3-डिजिट में क्या होगा डिविजिबल बाय 7। सो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि आप 100 को 7 से डिवाइड कीजिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2-डिजिट का बनेगा। सो मुझे इसमें कुछ ऐड करना होगा। सो ऐड इसमें क्या होगा, इसे मुझे 7 बनाने के लिए 5 ऐड करना होगा, तो फर्स्ट नंबर बन गया 105। अब इसमें हम 7 ऐड करेंगे, सो 112, देन 119, इस तरह से एपी बनेगी। अब हम लास्ट डिजिट के लिए भी, लास्ट नंबर के लिए भी डिवाइड करते हैं इसे 7 से। 7 4 28 14। तो यहाँ पे देखिए 5 रिमाइंडर है, तो 5 इसमें से हम एक्स्ट्रा मान के करें कि अगर 5 इसमें एक्स्ट्रा है तो 5 सब्ट्रैक्ट करने पे ये 7 से डिविजिबल होगा। सो 994 इज द लास्ट डिजिट। सो दिस इज द एपी फॉर्म्ड 3-डिजिट नंबर्स की एपी जो 7 से डिविजिबल है। नाउ हियर ए इज 105, डी इज 112 - 105 विच इज इक्वल टू 7, ए एन इक्वल्स टू 994। अब हमें फाइंड आउट करना है एन, सो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 994, ए इज 105 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज 7। सो 994 माइनस 105, सो दिस इज 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। सो 127 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, और एन इक्वल्स टू 128। सो वी कैन से देयर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं या 4 के मल्टीपल हैं? फ्रेंड्स, इसकी एपी बनाने के लिए हमें पहले सोचना होगा कि जो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं वो 10 और 250 के बिटवीन फाइंड आउट करने हैं। जो 4 से डिविजिबल होगा वो 10 के बाद होगा, 12, देन 60, देन 20, और इसी तरह से जो लास्ट नंबर होगा दैट इज 248। तो एपी जो बनी दैट इज 12 16 22 240। नाउ ए इज 12,
D is 16 minus 12, that is 4. AN is 248, and we have to find N. So, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 में अप्लाई किया. बिल्कुल सेम कंसेप्ट है. AN is 248, A is 12 plus N minus 1, here D is 4. So, 248 minus 12, N minus 1 into 4. So, this is 236 upon 4 equals to N minus 1. So, 59 equals to N minus 1. So, N is equal to 60. So, there are 60 numbers between 10 and 250 which are divisible by 4. Question number 15. For what value of N are the nth term of two APs, first and second, are equal? हमें ये बताना है कि first AP और second AP में किस वैल्यू के लिए, n की वैल्यू के लिए जो nth टर्म है वो सेम होगा. पहले हम इसमें दोनों AP लिखते हैं. फर्स्ट AP 63, 65, 67 एंड सेकंड AP दैट इज 3, 10, 17. अब इन दोनों में जो nth टर्म है AN and A dash N, दोनों में सेम होगा. So here nth term of first AP is equal to nth term of second AP. So इसे हम AN let कर लेते हैं, तो इसे हम A dash N let कर लेते हैं. So here is A plus N minus 1 into D. So here A is 63 plus N minus 1 and D is 2. Here A is 3 plus N minus 1 and D is 7. इस first AP में हम बता सकते हैं A is 63 and D is 2. और इसके लिए second AP के लिए A is 3 and D is 7. So 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7. अब 2n minus 7n equals to 3 minus 7 is minus 4 and 63 minus 2 is 61. इसे हम शिफ्ट करते हैं तो minus 61. So minus 5n equals to minus 65. So n is minus 65 upon minus 5. So here n is 13. So दोनों APs का जो 13 terms होगा वो same होगा, first AP and second AP का. Question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. हमें इसमें AP find out करनी है. AP के लिए हमें first term A and common difference D find out करने होंगे. और इसमें गिवन है थर्ड टर्म इज 16 और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. फर्स्ट वी राइट कि इसमें जो थर्ड टर्म है विच इज इक्वल टू 16, सो दैट मींस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16. सो इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं. एंड सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स है, 12 ज्यादा है. इसका मतलब 7 टर्म में से मैं 5th टर्म की वैल्यू माइनस करता हूं तो 12 आता है. A7 is A plus 6D and A5 is A plus 4D which is equal to 12. Then A plus 6D minus A minus 4D is 12. Plus A and minus A cancel out. 6D minus 4D is 2D equals to 12. So D is 12 upon 2, 6. So D is 6. So D की value तो 6 आ गई. हमें A की value और find out करनी है, तो इस D की value को equation 1 में हम put करते हैं.
सो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन है हमारे पास a प्लस टू, डी की जगह हम पुट करेंगे 6 इज इक्वल टू 16, सो a इज 16 माइनस 12, सो a इज 4। अब इसमें देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों की वैल्यू आ गई, सो ap क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 6, हम इसमें ऐड करते जाएंगे 10, देन 16, देन 22, सो दिस इज द एपी फॉर्म्ड। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13-16 ही करेंगे और जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं 17-20 वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।